हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी फ्रॉम विवेकानंद मॉडर्न एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर फैमिली वैल्यूज। अब व्हाट इज़ फैमिली वैल्यूज? हमारी फैमिली जो होती है ना, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी फैमिली जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। वन फैमिली होती है जो सिंगल फैमिली होती है, और वन फैमिली जो होती है वो कौन सी होती है? ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली मीन्स जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, कज़िन, ब्रदर, सिस्टर, मदर और फादर सारे लोग रहते हैं, वो क्या होती है? हमारी ज्वाइंट फैमिली होती है। और जो सिंगल फैमिली होती है वो होती है हमारी जिसमें हमारी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और आप स्वयं रहते हो। तो जिसमें किसी किसी फैमिली में 4 या 5 या 6 ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई फैमिलीज़ टू टाइप्स की, है ना। अब हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सम रूल्स ऑफ द हाउस दैट वी शुड फॉलो। यानी कि हमारी जो फैमिली होती है उसमें कुछ रूल्स बने होते हैं और उन्हें हमें मानना होता है। रूल्स मीन्स क्या होता है? नियम। जैसे स्कूल में आप होते हैं ना, तो मैम बोलती हैं कि मेक अ लाइन, गो विद लाइन बोलती है ना, ऐसे ही आपके घर में भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आप अगर घर में हैं तो आपको क्या करना है? रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी अपने से बड़े लोग जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, सही अच्छे से बोलना है ना। आप जैसे कि अगर आपके पापा हैं तो आप क्या बोलोगी कि पापा सुनो, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं ना, आपको क्या बोलना है? पापा जी सुनिए, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो रिस्पेक्ट करके बोलना है। फिर ये देखिए, सबसे फर्स्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी कि अपने बड़े जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट करना है। अगर आपसे बड़े हैं तो उनको गुड मॉर्निंग, हाँ गुड इवनिंग ऐसे करके बोलना है, और हैंड अपने को जोड़ कर, ये नमस्ते कर रहा है बच्चा, इस तरह जो भी नमस्ते करता है या आदाब करता है या गुड मॉर्निंग बोलता है उसको बड़े लोगों से बोलना होता है। फिर हेल्प ईच अदर, यानी कि आपको एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। जैसे अगर आपकी मम्मा कोई भी काम कर रही हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। अभी घर का काम करती ना मम्मा, जैसे आपके कपड़े वॉश किया तो आपको क्या करना है? कपड़े ड्राई करने के लिए डाल दीजिए, या फिर कपड़े को फोल्ड करके रख दीजिए, तो मम्मी की थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना। इसी तरह सबकी हेल्प करनी है। क्लीन अप योर मेस। मेस में जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपकी जैसे आप जहाँ रीडिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपका सारा सामान फैला हुआ है ना, डस्ट पड़ गई है टेबल पे, तो कौन साफ करेगा? यस, आप करोगे, क्योंकि वो आपका मेस है, वो आप पे आपका सारा सामान रखा हुआ है ना। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें सही से रखनी है और वहाँ पे सफाई करनी है, क्योंकि जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अपना आसपास का सारा सब कुछ क्लीन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, शेयर थिंग्स। शेयर थिंग्स का मतलब, यस, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर करके खेलना। अगर आपके पास टॉय है तो आप अपने भाई को भी टॉय दे सकते हो, है ना। इसी तरह जैसे स्कूल में मैम बोलती है ना, शेयर थिंग्स, अगर आपके पास इरेजर है, आपका फ्रेंड नहीं लाया है, तो मैम बोलती है ना शेयर थिंग्स, ऐसे ही आपको घर पे भी शेयर करके रहना चाहिए, शेयर करना है सारा। बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार बनो। मतलब अगर आपसे कोई चीज़ आपको मिली है तो उसको ईमानदारी से वापस कर दो, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप तुरंत सॉरी बोलोगे, क्योंकि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, अच्छी बात होती। सॉरी बोलते ही जो है दूसरा जो होता है वो आपको माफ़ कर देता है। लास्ट हमारा है ईट टुगेदर, यानी कि आपको एक साथ खाना खाना चाहिए। जब भी आप लोग लंच या डिनर जो भी करते हैं तो पूरी फैमिली के साथ बैठकर एक साथ लंच करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप सबके साथ बैठ के लंच करते हो, आपको टेबल मैनर्स भी पता चलते हैं कि कैसे लंच किया जाता है ना।
कैसे बैठ के लंच करना है, चबा चबा के खाना है, खाते वक्त बोलना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब एक साथ बैठ के लंच करते हैं तब आपको आपकी फैमिली आपको सिखाती है ये सारी चीज़ें, है ना। अब इसी तरह से सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से लर्न करना है। ये जो रूल्स हैं फैमिली रूल्स, एक बार हम फिर से इसको रिपीट करेंगे पूरा। रिस्पेक्ट एल्डर्स, हेल्प ईच अदर, क्लीन अप योर मेस, शेयर थिंग्स, बी ऑनेस्ट, ईट टुगेदर। एक बार अच्छे से देखेंगे, दिख रहा है ना आपको पूरा। फिर से एक साथ मेरे साथ साथ बोलिए, रिस्पेक्ट एल्डर्स, हेल्प ईच अदर, क्लीन अप योर मेस, शेयर थिंग्स, बी ऑनेस्ट, ईट टुगेदर। आपने ये सही से लर्न कर लिया। अब इसके साथ में अभी एक्सरसाइज यहाँ पे देखिए इसमें है, और कुछ मैंने एक्सरसाइज और बनाई है, वो मैंने एक पेपर पे लिख के रखा है जिसमें आप लोग को आसानी रहे, तो उसको भी अभी मैं इसमें अटैच कर दूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।